तो वहीं राजधानी रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के आरोप का जवाब दिया। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ आकर बीजेपी ने के नेता ने झूठ बोलकर गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के संचार प्रमुख ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता छत्तीसगढ़ पहुंच बिना तथ्य और आंकड़े से जुबानी आरोप लगा रहे हैं और ईडी और आईटी को भेजकर छत्तीसगढ़ सरकार को परेशान कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तीनों झूठ बोलकर गए और गोवा में बीजेपी की सरकार ने तीन मंदिरों को तोड़ा और गोवा के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में सनातन धर्म की दुहाई दे रहे हैं। साथ ही संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने धान खरीदी और एफसीआई में चावल लेने की झूठे आंकड़े दिए, छत्तीसगढ़ की जनता इनकी झूठ को समझती है। इन दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है। तथ्य नहीं, आंकड़े नहीं, कोई फैक्ट नहीं, जुबानी आरोप लगाकर प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक छत्तीसगढ़ आते हैं, जुबानी आरोप लगाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। साथियों, इन दोनों भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता आ रहे हैं, सबके सब सिर्फ झूठ की खेती करना चाह रहे हैं। पहले ईडी को भेजा, आईटी को भेजा, इसके माध्यम से राज्य सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की। जब इसमें सफल नहीं हुए, उल्टे भारतीय जनता पार्टी की छवि जनमानस में खराब हुई कि ईडी और सीबीआई, ईडी और आईटी को भेज के छत्तीसगढ़ की जनकल्याणकारी सरकार को परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो अब प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आके गलत तैयारी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तथ्यहीन आरोप लगा रहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी तो झूठ बोलने की एक सीमा को और पार कर गए। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद के लिए झूठ शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री G20 के बारे में जो दावा करके गए, उसके बाद इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना हम सबकी मजबूरी हो जाती है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।